रामनाथ ठाकुर को आप सुन रहे थे, किस तरीके से उन्होंने रोड मैप बताने की कोशिश की है, लेकिन साथ साथ सूत्र ये भी बता रहे हैं कि रामनाथ ठाकुर को एमओएस का पद दिया जा सकता है। रामनाथ ठाकुर कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं। चुनाव से ठीक पहले उन्हें उनके पिता को भारत रत्न दिया गया था और तभी काफी सियासी हलचल भी हमने देखी थी। लेकिन अगर खासकर बिहार की बात करें तो माना यह जा रहा है कि बिहार में बराबर बराबर सीटें ऐसी हैं जो कि बीजेपी और जेडीयू में बांटी जा सकती है। लेकिन सीधा हम रुक कर लेंगे, हमारे सहयोगी अमित पांडे भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। अमित, कौन कौन से जो नेता हैं जिन्हें फोन जा चुके हैं, कंफर्म हो गए हैं, लेकिन बड़ी बात यह है कि अभी तक अनुप्रिया पटेल और हम पार्टी के अध्यक्ष जीतन मांझी को कोई कॉल नहीं आया है। देखिए, करीब डेढ़ घंटे तक, हम अभी दूसरे उस पर बात कर रहे हैं कि डेढ़ घंटे तक बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अमित शाह की मुलाकात चली है और यहीं से अभी वो निकले हैं। सबसे बड़ी खबर ये है कि डेढ़ घंटे की मैराथन बैठक के बाद गृहमंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा एक साथ निकले हैं और वो पीएम आवास की ओर जाएंगे। और इससे पहले जीतन राम मांझी भी इन्हीं से मिलकर गए थे और अनुप्रिया पटेल उधर मिलने पहुंचे। तो कुल मिलाकर जो सामंजस्य का दौर है वो जारी है और इन दोनों नेताओं के मिलने के बाद, यहाँ से निकलने के बाद, कमोवेश जिन चीज़ों की आप बात कर रही हैं कि अनुप्रिया पटेल गुस्से में है या फिर जीतन राम मांझी को कॉल नहीं आया है, अन्य लोगों को कॉल नहीं आया, वो सारी चीज़ें अब साफ हो गई हैं। अब पीएम मोदी के आवास पर जिन लोगों को फोन गया है उनका पहुँचने का सिलसिला शुरू हो गया है। तो एक मैराथन बैठक थी ये, सिलसिलेवार तरीके से इस पर चर्चा हुई, लगातार तीन दिन से ये बैठक जारी थी कमोवेश, उस सिलसिले में आज यह अंतिम दौर की बैठक थी। अब सीधा मंत्रिमंडल दौर को, ये मंत्रिमंडल के नामों को फाइनल करके ये दोनों शीर्ष नेता निकले हैं। अब पीएम के साथ चाय पर उन मंत्रियों के नामों की मुलाकात होगी। जी अमित, ये बताइए कि जिस तरीके से फॉर्मूला सामने आ रहा है, क्या इस बारे में कोई क्लैरिटी है कि एक सीट पर, चार सीट पर एक कैबिनेट मंत्री होगा, इस ये जो फॉर्मूला किया जा रहा था, क्या इसी को कैरी ऑन किया जा रहा है या ये फॉर्मूला बदला है? अभी शपथ ग्रहण को लेकर हलचल तेज हो गई है। आज मोदी गवर्नमेंट 3.0 के मंत्री शपथ लेंगे अमित शाह और जेपी नड्डा। अब से थोड़ी देर पहले एक मीटिंग हुई है और माना यह जा रहा है 11:30 बजे पीएम के साथ चाय पर मीटिंग होने वाली है और ऐसे में कॉल्स का सिलसिला शुरू हो गया है। कई ऐसे नाम भी शामिल है जिन्होंने इलेक्शन कंटेस्ट नहीं किया था, उन्हें उनके भरोसे के आधार पर, काम के आधार पर जगह दी गई है। कई चेहरों को रिपीट किया गया है, कई चेहरे ऐसे हैं जहां पर जातीय समीकरण को ध्यान में रखा गया है, पावर बैलेंस को ध्यान में रखा गया है, लेकिन कई ऐसे भी हैं जो कि सरप्राइज एलिमेंट के तौर पर सामने आ सकते हैं। अमित, कई सरप्राइज एलिमेंट, जैसा कि हम बीजेपी को जानते हैं सरप्राइज एलिमेंट्स के लिए, देख सकते हैं क्या इस मोदी कैबिनेट में? जी, पूरी तरीके से सरप्राइज एलिमेंट के लिए हमें तैयार रहना होगा और कमोवेश ज्यादातर जो चेहरे हैं हमें महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश और यहाँ तक कि हरियाणा से भी देखने को मिल सकते हैं। उत्तर प्रदेश में कम से कम दो महिला मंत्री ऐसी हैं और बीजेपी की ओर से जिनको संगठन का अनुभव है और जिनका नाम सामने आ सकता है। हरियाणा से एक से दो चेहरे हैं किसान नेताओं का, उनका नाम सामने आ सकता है। महाराष्ट्र से दो नेताओं का नाम सामने आ सकता है और इन इन लोगों का जो आकलन हुआ है पिछले कई महीनों से, बीजेपी शीर्ष नेतृत्व इनकी संगठनात्मक जो क्षमता है उनका आकलन कर रहा था और उसके बाद निष्कर्ष पर पहुंचा है। फिलहाल अभी बड़ी खबर ये कि गिरिराज सिंह को भी कॉल आया है, बिहार से ताल्लुक रखते हैं, और किरण रिजिजू, जितेंद्र सिंह, ये सब पिछले मंत्रिमंडल के चेहरे थे, इनको कॉल आया। इसका मतलब कि कुछ चेहरे जो अनुभवी रहे हैं और जिनको सरकार चलाने का अनुभव, उनको तो अपने साथ लिया है, लेकिन कई नाम नए हो सकते हैं और जैसे ही कोई नाम नया होगा सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया आपको उन नामों से वाकिफ कराएगा। ठीक है अमित, लौटेंगे आपके पास, लेकिन ब्रेकिंग न्यूज इस वक्त बता दें, अमित शाह के घर बैठक के बाद जेपी नड्डा, गृहमंत्री अमित शाह पीएम आवास के लिए निकल गए हैं और देखिए लगभग 15 मिनट का ही समय बचा है जबकि ये मीटिंग शुरू होनी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिन लोगों को कॉल गए हैं, जिन कैंडिडेट्स को कॉल गए हैं उनसे चाय पर चर्चा करेंगे। आज शपथ ग्रहण होना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार कॉन्जिक्यूटिव 3 times पीएम बनने वाले दूसरे प्रधानमंत्री हो जाएंगे, इतिहास एक तरीके से रचा जाएगा। इसके अलावा आज मोदी सरकार की जो कैबिनेट है 3.0 उनके भी मंत्री होंगे जो कि शपथ लेंगे। अमित, हम अभी ब्रेकिंग न्यूज बता रहे थे, अमित शाह और जेपी नड्डा पीएम आवास के लिए निकल गए हैं, कितना डिस्टेंस है, कितना समय लगेगा? देखिए 5 से 7 मिनट या यूं कहें 10 मिनट में इन दोनों नेताओं को पीएम आवास पर पहुंच देना चाहिए और पूरी संभावना है कि ये दोनों नेता पीएम आवास ही पहुंचेंगे। लेकिन उससे पहले हमें ये गौर कराऊंगा कि क्या हुआ, आज 1.5 से 2 घंटे ये शीर्ष नेता मिलते हैं, कल रात में करीब
डेढ़ से दो घंटे मिलते हैं, दिन भर कल मुलाकात होती है, इससे पहले परसों इनकी चार से पाँच घंटे मुलाकात होती है। तो ये पूरा जो सरकार को के फॉर्मेशन का खाका है वो खींचा गया, एक फॉर्मूला तैयार किया गया है, एक सहयोगी बड़े सहयोगी दलों को एक कैबिनेट एक राज्य मंत्री जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है, और छोटे सहयोगी मंत्रियों को या तो इंडिपेंडेंट चार्ज या तो राज्य मंत्री जो अभी तक हमें समझ में आ रहा है। इसके अलावा मुख्य जो मंत्रालय हैं CCS कैबिनेट कमेटी फॉर सिक्योरिटी वह बीजेपी अपने पास रखेगी, और इसके अलावा अब जो नाम है वो कई सरप्राइज एलिमेंट हैं जिनके नाम अभी सामने आएंगे, और जो संगठन से जुड़े रहे हैं, जो महिला चेहरे हैं और जिन्होंने अपनी संगठनात्मक क्षमता का परिचय दिया है, और कई ऐसे चेहरे हैं जिनका नाम पार्टी के लिए जो लॉयल रहे हैं, जिन्होंने बहुत काम किए हैं, उनको भी रिवॉर्ड के तौर पर मंत्री पद दिया जा सकता है। अमित लौटेंगे आपके पास, लेकिन महाराष्ट्र की रावेर सीट से लगातार तीसरी बार जीती बीजेपी सांसद रक्षा खडसे ने न्यूज 18 से बातचीत की, और बातचीत में ये कहा कि उन्हें मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए कॉल आई है। सुनिए क्या कहा उन्होंने। रक्षा खडसे, उनसे बात करते, आज फोन आया है आपकी मंत्री बन रही है, क्या प्रतिक्रिया है? मुझे अभी भी विश्वास नहीं बैठ रहा है कि ये सब हो रहा है, लेकिन आज बहुत बड़ा मौका मेरे लिए मुझे दिखाई दे रहा है, और मैं सबसे पहले सब जनता के मैं बहुत बहुत मन से आभार मानती हूँ। आदरणीय मोदी साहब हैं, अमित जी हैं, नड्डा जी हैं, देवेंद्र जी हैं, बावनकुले साहब हैं, उनको भी मैं आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने आज इतनी बड़ी जिम्मेदारी मुझ पर वो सौंप रहे, तो मैं पूरा प्रयास करूँगी कि आने वाले दिनों में मैं अच्छी तरह से काम यहाँ पर कर पाऊँगी। इसका श्रेय किसको देते हैं आप? इसका श्रेय सब जनता को जाता है, क्योंकि उन्होंने चुन के दिया, इसलिए ये संधि मुझे मिल रही है, मौका। सुरक्षा खर्चे को आप सुन रहे थे, तीसरी बार लगातार चुनकर आई हूं, और ऐसे में उन्हें कॉल भी गया है। लेकिन आपको बताएं, थोड़ी देर में सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे, पीएम ने शपथ लेने वाले सांसदों को चाय पर बुलाया है, और देखिए 11:18 का समय हो गया है, महज 12 मिनट का समय बचा है जबकि मीटिंग होगी, और कई ऐसे सरप्राइज एलिमेंट सामने आ सकते हैं जो कि कयास लगाए जा रहे हैं, क्योंकि बीजेपी को जाना ही जाता है सरप्राइजेस देने के लिए। और ऐसे में जो पुराने कुछ चेहरे हैं रिपीट हो रहे हैं वो हम पहले ही आपको बता चुके हैं, कई ऐसे चेहरे हैं जिन्होंने त्याग किया है, ग्राउंड पर काफी काम किया है, पार्टी की लॉयल्टी को देखते हुए भी रिवॉर्ड के तौर पर मोदी सरकार 3.0 में उन्हें जगह दी जा सकती है। अमित शाह, इस वक्त ब्रेकिंग न्यूज सामने आ रही है, गृहमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा बीजेपी के अध्यक्ष पीएम आवास पहुंच गए हैं, जैसा कि हम बता रहे थे कि 5 से 7 मिनट में वो पीएम आवास पहुंच जाएंगे, और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमाम सांसदों के साथ 11:30 बजे चाय पर बातचीत करेंगे, अपने आवास पर सांसदों से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिलेंगे। अब देखिए 10 मिनट पहले ही इस मीटिंग के गृहमंत्री अमित शाह, जेपी नड्डा मोदी आवास पर, पीएम आवास पर पहुंच गए हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मीटिंग के मद्देनजर। तस्वीरें भी हम उस वक्त की दिखा रहे हैं आपको, जबकि गृहमंत्री अमित शाह जेपी नड्डा के साथ, जेपी नड्डा के आवास से मीटिंग के बाद गृहमंत्री आप देख सकते हैं किस तरीके से गाड़ी में मौजूद है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आवास पर जाते हुए। कई मंत्रियों को फोन आ चुका है, कई मंत्रियों को फोन अभी जाना बाकी है, इस तरह की जानकारी आ रही है।